और दोस्तों कुंडली भाग्य का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प देखने को मिलता हुआ नजर आने वाला है, जब यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि किस तरीका से करण इस समय बहुत ज़्यादा शौक होता हुआ नजर आ रहा है कि सौर्य और निधि कैसे प्लान बना सकते हैं। हालांकि दोस्तों इस समय करण ने इनवाइट किया है, यहाँ पर प्रीता भी पहुँच रही है, लेकिन पलकी और राजवीर को खास करके इनवाइट किया है काव्या की सगाई के लिए, और इस इनवाइट इसीलिए ही किया है ताकि सभी लोग हंसी खुशी तरीका से एक प्रोग्राम में फैमिली फंक्शन में दस्तक दे सकें। दोस्तों इन दोनों की दस्तक देना वाकई में कितना ज़्यादा ज़रूरी बन चुका है, क्योंकि पलकी को जहाँ पर इंतज़ार है कि मुझे राजवीर खुद सभी लोगों के सामने बोले कि हाँ मैं भी आज ही अपनी शादी का अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ, क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि प्यार करता है वास्तविक राजवीर भी पलकी से और पलकी भी राजवीर से, लेकिन यहाँ पर सौर्य के दिमाग में अभी भी यहाँ पर पलकी का भूत सवार है, क्योंकि वो हर तरीका से पलकी से वो खुद भी प्यार करता है। दोस्तों कहानी का एक नहीं बल्कि समय एक और भी नया टूट आता हुआ नजर आने वाला है। कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन दोस्तों अब जो होने जा रहा है वो और भी घना दिलचस्प होता हुआ ही नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ निधि समझाती हुई नजर आने वाली है आखिरकार इस समय कि किसी भी तरीका से हमें हार नहीं माननी है। सौर्य को भड़काती हुई नजर आ रही है, और सौर्य को भड़काने के पीछे आप लोग लॉजिक जानते ही होंगे, क्योंकि एक नहीं बल्कि समय कई और भी लॉजिक सामने देखने को मिल रहे हैं दोस्तों, और इसीलिए ही सौर्य लगातार भड़कता है जब जब यहाँ पर भड़काती है। दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि कहानी का अभी तो एक नहीं बल्कि समय कई और भी टोस्ट आते हुए नजर आने वाले हैं। साथ ही दोस्तों आप लोगों के सामने मैं हूँ रोहित नागर। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए गाइस कैसी लग रही है आपको मेरी वीडियो। थैंक यू सो मच सपोर्ट करने के लिए, आप लोगों का धन्यवाद गाइस, लव यू ऑल।